हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर घाटकोपर में कार्यरत हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हेड नेक कैंसर में ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है पेशेंट का। तो बेसिकली हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो स्टार्टिंग से ही घबराते हैं कि उनके मुंह में छाला है, ये कैंसर है या नहीं है। फिर दूसरा उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर इसका बायोप्सी करेंगे तो कैंसर स्प्रेड तो नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन जब बायोप्सी में प्रूव हो जाता है कि ये कैंसर है, अभी इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो पेशेंट बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने से राजी नहीं होते। उन्हें लगता है ट्रीटमेंट कर देंगे तो चेहरे का भाग निकल जाएगा, मैं दिखने में खराब दिखूंगा, खाना पीना नहीं खा पाऊंगा, मेरी आगे की ज़िंदगी जो है, जो अभी नेचुरली नॉर्मली अच्छे से चल रही है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो थॉट है ये एब्सोल्युटली गलत है। हर एक पेशेंट हेड एंड नेक कैंसर में है, वो ओरल कैविटी में बक्कल म्यूकोसा का कैंसर हो, या जीभ का कैंसर हो, या स्वर पेटी का कैंसर हो, या थायराइड कैंसर हो। आपको जब आपके डॉक्टर ने संपर्क करने के बाद बताया कि इसका ट्रीटमेंट सर्जरी या ज़रूरत पड़ा तो कीमोथेरेपी या रेडिएशन, तो अपने वो कराना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अपने ये लास्ट 10 साल के प्रैक्टिस में ये देखा है, जो पेशेंट स्टार्टिंग में एकदम छोटा सा बीमारी होता है और उसे ट्रीटमेंट नहीं कराते, मीन्स ऑपरेशन नहीं कराते और अपना बीमारी नहीं निकलवाते, धीरे धीरे कुछ समय होने के बाद वो बीमारी बढ़ते चले जाता है। और वही पेशेंट्स हमारे पास, जैसे समझ लो उनका बक्कल म्यूकोसा, मीन्स गाल के अंदर के भाग का जो कैंसर है, वो फट के पूरा बाहर तक आ जाता है। और वही पेशेंट्स इमरजेंसी में कैजुअलिटी में आते हैं, जिसमें पूरे फंगल इन्फेक्शन या मैगट्स यानी कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट को हम तब ऑपरेशन करके पूरा क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बीमारी इतनी फैल गई है कि वो ऑपरेबल ही नहीं है। तो ऐसा पेशेंट ऐसे समय पे बेस्ट सपोर्टिव केयर में भेज दिया जाता है, जब हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो। सेकंड, जैसा जीभ का कैंसर होता है, स्टार्टिंग में पेशेंट्स आता है तो उनका जीभ में एक साइड में छोटा सा व्हाइट पैच या लाल कलर का पैच होता है जो भर नहीं रहा है जख्म, जिसे हम अल्सर बोलते हैं। अभी अल्सर जब 3 हफ्ते से ऊपर जरिए ठीक नहीं हो रहा रहेगा, तो ऐसे अल्सर को हमें मान के चलना है कि हो सकता है कैंसर है, तो उसका बायोप्सी करें। बायोप्सी जब नहीं करते, तो कई पेशेंट्स देखा है मैंने जो एकदम स्टार्टिंग में 1 या 2 सेंटीमीटर का ग्रोथ था, मीन्स इतना छोटा एकदम, और वो जब हमारे पास पहुँचे तो उनकी पूरी जीभ में वो फैल गया है। अब ऐसे पेशेंट्स का भी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उनका कंप्लीट जीभ निकाल देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है बाद में पेशेंट को बात करने के लिए कंपेरेटिवली जितना अच्छे से आना चाहिए नहीं हो सकता। जो स्टार्टिंग में छोटा एक प्रॉब्लम था उसके तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण ये इतना सब तकलीफ हुआ है उन्हें। अब तीसरा पेशेंट है जो स्वर पेटी का कैंसर लेके आता है। एकदम स्टार्टिंग में पहुंचा तो उसे रेडिएशन का ट्रीटमेंट बताया जाता है, जब थोड़ा लेट हुआ तो ऑपरेशन और उसके बाद रेडिएशन कीमो। काफ़ी पेशेंट्स है जो ये तीनों चीज़ों में से कोई भी ट्रीटमेंट लाइन फॉलो नहीं करते। हमने ये देखा है कि वो गार्ड पूरा फट के बाहर आ जाता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सडनली ब्लीडिंग होके ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो जाता है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूरा बीमारी सब नसों में चिपक गया है और नसों के अंदर घुस गया है। तो ये वीडियो के जरिए मेरा यही मानना है और आप लोगों तक यही मैसेज पहुँचाना है, जब भी आपको लगे कि ये कैंसर हमें ट्रीटमेंट कराना है, तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं, आप अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए, उन्होंने सर्जरी कीमोथेरेपी या रेडिएशन बताऊंगा, उनका ऑप्शन को फॉलो करो। रहा मत देखो कि जो चीज़ आप पहले स्टेज में पकड़े हो और उसे हम चौथे स्टेज तक पहुंचा दे और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पूरा हेल्प करे, क्योंकि तभी आउटकम उतना ही खराब होता है। फर्स्ट स्टेज का जो आउटकम है, ओवरऑल सर्वाइवल, डिसीज फ्री सर्वाइवल इज समवेयर अराउंड 70-80%, और वही फोर्थ स्टेज मीन्स चौथे स्टेज का कैंसर जो शरीर में फैल गया है, उसका ओवरऑल सर्वाइवल 5 से 10% है, मीन्स वो पेशेंट या तो 6 महीने या तो 1 साल मैक्सिमम। तो आपको यही कैंसर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होंगी तो ये जो हमारा जो दिखाया गया इनबॉक्स है और चैट बॉक्स है, इसमें आप अपना क्वेरी लिख सकते हो। मेरी टीम 24/7 कार्यरत है और आपके हर सवालों का जवाब उस पर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।